माँ बच्ची को गोद लेने के मामले में विवाद। विवाद में बड़े दो पक्ष, जमकर मारपीट। मुस्लिम ने हिंदू महिला को बच्ची दी थी गोद। माँ की मौत के बाद पड़ोसी ने गोद लिया था, पड़ोसी महिला ने लिया था बच्ची को गोद। कोर्ट ने आज बच्ची को पिता के किया सुपुर्द, और पिता के सुपुर्द किए जाने के बाद हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने जताया विरोध। रामकोट थाना अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव, सिविल लाइंस इलाके में हुआ हंगामा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सिविल लाइंस इलाके में हंगामा होने की बात सामने आई है। सीतापुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव, बड़ी खबर। सीतापुर से बच्ची को गोद लेने के मामले में यहां पर विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। सीतापुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ। बच्ची को गोद लेने के मामले में यहां पर दो पक्ष भिड़ गए, विवाद हुआ। पिता के सुपुर्द किए जाने के बाद यहां पर हंगामा हो गया, नाराज लोगों ने किया गाड़ी पर पथराव। तो पुलिस पर पथराव, विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर मारपीट। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर पिता के सुपुर्द किए जाने के बाद जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। नाराज लोगों ने पुलिस की ही गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सीतापुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बच्ची को गोद लेने के मामले में विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्ष आपस में भिड़ रहे थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाए। रोहित बाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सीतापुर से। रोहित, पुलिस की गाड़ी पर ही पत्थर फेंके जा रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या कुछ था पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें एक बच्ची को गोद लेने को लेकर विवाद हुआ है। क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दो पक्ष हैं, इनमें पक्ष का ये कहना है कि जो बच्ची है उसकी मां ने उसको गोद दिया था, जिसके उनके पास सारे कागज हैं, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। और इस मामला जब न्यायालय में पहुंचा, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने बच्ची को लेकर उसके पिता के सबूत कर दिया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष काफी आक्रोशित हो गया। उनके साथ कुछ लोग भी वहां पर, कुछ किन्नर लोग भी उनके सपोर्ट में आ गए। जो जब बच्ची को लेकर जा रहे थे, लोगों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और उसके ऊपर पथराव भी किया। जी शुक्रिया रोहित। तो बच्ची को गोद लेने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके जाने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखा रहे हैं। नाराज लोगों ने गाड़ी पर पथराव किया। सीतापुर से खबर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर पुलिस की गाड़ी पर ईंटे पत्थर फेंकते हुए नजर आए हैं। तो पिता के सुपुर्द किए जाने के बाद यहां पर जोरदार हंगामा, नाराज लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। सीतापुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव।